Today we will start exercise one B of chapter rational and irrational numbers and irrational numbers lecture third from A Das Gupta for class 9th ईसीएससी नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फर्स्ट थर्टीन सम्स वी हैव डन इन लेक्चर टू ऑफ दिस चैप्टर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ए पार्ट पार्टी टू सिंप्लीफाई क्या लिखा उन्होंने वी हैव टू सिंप्लीफाई रूट फाइव प्लस वन अपॉन रूट फाइव माइनस वन बीच में प्लस साइन रूट फाइव माइनस वन अपॉन रूट फाइव प्लस वन रूट फाइव प्लस वन अपॉन रूट फाइव माइनस वन एंड हियर प्लस साइन रूट फाइव माइनस वन अपॉन रूट फाइव प्लस वन यहां हमारे पास दो मेथड्स हैं एक तो रैशनलाइज करके और दूसरा एलसीएम लेके इजिनेटर कर रहे हैं तो हम रैशनलाइज से करेंगे श्रेषी बताइए मैं क्या लिखू श्रेयांशी yes, बोलिए बच्चे क्या लिखू मैं सर रूट फाइव वन, पॉन रूट फाइव माइनस वन इंटू रूट फाइव प्लस वन बाई रूट फाइव प्लस वन। वेरी गुड here plus sign this is same as like here by which number root. we can multiply root 5 minus 1 on root 5 okay. <clears throat> minus 1 here root 5 plus 1 root 5 plus 1 what we get root 5 plus 1 whole square and downwards what i have to write down नौ बच्चे रूट फाइव माइनस वन का होल स्क् और डाउनवर्ड्स ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये ध्यान रखना बेटा ओके सर नाउ ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी into root five into one upon root five square is five minus one square is one here a minus b whole square root five square plus one square minus two a b two into <coughs> root five into one upon a square minus b square root five square is five minus one square is one what is root five square छियासी मल्टीप्लाई so में ये चीज याद रखनी है बाहर वाली टर्म बाहर वाली से मल्टीप्लाई होगी रूट वाली टर्म रूट वाली से टू और वन बाहर है टू को वन से किया टू बाहर आ गया रूट फाइव साथ में नीचे फाइव माइनस वन फोर

थ्री इज अवर्स आंसर में समझ आया बच्चे कैसे करना है इसको सेम मेथड ही है मतलब इसमें बस दो टर्म्स को रैशनलाइज करना पड़ेगा हम ऐसे ओके ओके सर अब इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बी पार्ट वन प्लस रूट टू अपॉन रूट फाइव प्लस रूट थ्री बीच में प्लस साइन वन माइनस रूट टू अपॉन रूट फाइव माइनस रूट थ्री वन प्लस रूट टू अपॉन रूट फाइव प्लस रूट थ्री किससे मल्टीप्लाई करें हम इसको सर फाइव माइनस रूट 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 फाइव माइनस रूट थ्री वेरी गुड अपॉन रूट फाइव माइनस रूट थ्री प्लस साइन एज लाइक हियर वन माइनस रूट टू अपॉन रूट फाइव माइनस रूट थ्री इसको मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूं सर आज मियंक ने काम किया है है ना yes, है, na, yes. है ना हाँ तभी देखा आंसर आ रहे हैं ना फटाफट जब हम करके नहीं देखते तो हमारे में अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता नाउ वन को भी दोनों से वन को दोनों से करेंगे तो रूट फाइव माइनस रूट थ्री आ जाएगा प्लस रूट टू को रूट फाइव से किया रूट टेन रूट टू को रूट थ्री से किया रूट सिक्स डाउनवर्ड्स ये चीज देखो बेटा ध्यान से वन को दोनों से करना है तो सेम नंबर आ जाएगा जब रूट टू को दोनों से करेंगे देखो रूट टू इंटू रूट फाइव दोनों वैल्यूज रूट में है तो रूट टेन बन गया रूट टू इंटू रूट थ्री रूट सिक्स बन गया नीचे नीचे क्या लिखू मैं अंक नीचे क्या आएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज सेम है वन को दोनों से करेंगे तो रूट फाइव प्लस रूट फाइव प्लस थ्री माइनस रूट टू को दोनों से करो माइनस रूट टेन माइनस रूट सिक्स देखो माइनस रूट टू को रूट फाइव से किया माइनस रूट टेन माइनस रूट सिक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्टेप बाई स्टेप करते रहो कभी कोई मिस्टेक होता ही नहीं है कोई राइट टाइम है यहाँ पे रूट फाइव वाली कोई टर्म है इसमें नहीं है रूट थ्री वाली टाइम है नहीं है तो so, ये माइनस रूट थ्री प्लस रूट टेन माइनस रूट सिक्स अपॉन ये रूट फाइव का स्क्वायर फाइव रूट थ्री का स्क्वायर थ्री बीच में प्लस साइन रूट फाइव प्लस रूट थ्री माइनस रूट टेन माइनस रूट सिक्स अपॉन मी रूट फाइव का स्क्वायर फाइव रूट थ्री का स्क्वायर थ्री यहां से आ, चलो मैं सीधा ही एक शॉर्टकट मार दू आपने एक स्टेप लिखना है फाइव माइनस थ्री को टू लिख देना मैं यहीं पे टू लिख देता हूँ कट करके आपने ऐसे कट करके नहीं लिखना नेक्स्ट स्टेप में लिखना है यहाँ टू इसके नीचे भी टू है इसके नीचे भी टू है तो एलसी में सेम क्योंकि एलसी सेम है तो ऊपर वाली टर्म सेम टू सेम आ जाएंगे प्लस रूट फाइव प्लस रूट थ्री माइनस रूट टेन माइनस रूट सिक्स यहाँ पे रूट टेन और माइनस रूट टेन इज कैंसल माइनस रूट थ्री और प्लस रूट थ्री इज कैंसल रूट फाइव प्लस रूट फाइव कितना होगा रूट फाइव प्लस रूट फाइव कितना रूट टेन एक्स प्लस एक्स कितना होता है So, y y कितना होता है? So, एक दूसरी स्रियांसी, कितनी स्रियांसी so, 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 so. So, तो यहां पे रूट फाइव, इसके बाहर कुछ नहीं है तो वन है तो जब रूट में वैल्यू सेम होगी तभी हम उसको ऐड सब्रैक्ट कर सकते हैं अगर रूट में वैल्यूज डिफरेंट है तो हम उसको एड सब्रेक्ट नहीं, नहीं वन वन रूट 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 फाइव 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 प्लस टू सेम वे माइनस रूट सिक्स माइनस रूट सिक्स इज माइनस टू रूट सिक्स नाउ टू इज कॉमन फ्रॉम न्यूमिरेटर वी गेट रूट फाइव माइनस रूट सिक्स अपॉन टू 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 इज कैंसल वट वी गेट रूट फाइव माइनस रूट सिक्स दैट इज अवर आंसर ये हमारा आंसर आ गया समझ आ गया बच्चे सबको यस सर श्योर यस सर नाउ वी विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन फिफ्टीन पे आते हैं सेम टू सेम जैसे फोर्टीन का फर्स्ट पार्ट किया ना हमने ऐसे ही ये बस थोड़ा सा लिखने का वे डिफरेंट है प्रूव दैट द सम ऑफ दिस एंड दिस मतलब जैसे यहाँ बीच में प्लस साइन था ना वैसे इसके बीच में प्लस साइन इज रैशनल और इज रैशनल प्रूव करना है इन दोनों का सम रैशनल आएगा देखो मैंने ये वाला सम किया था ये वाला सम किया था ना सेम मेथड से करना है लास्ट में थ्री नंबर आ गया तो दिस इज रैशनल ना बस ऐसे ही जो फिफ्टीन सम है वो आप खुद ट्राई करोगे मैं नहीं करवा रहा ये श्रीयांशी करोगे बच्चे यस yes, आज थोड़ा मतलब उतना एक्टिव नहीं है आज श्रीयांशी आवाज थकी हुई है आज तू यस yes, क्यों क्या किया आज बोलिए श्रीयांशी सर मैं थोड़ा बाहर गई थी आज अच्छा ऑस्ट्रेलिया घुमाई के कि कैनेडा सर लोकल में ही गई थी अच्छा लोकल में ही गई थी चलो हमने टू टर्म सिंगल टर्म वाला ये टू टर्म्स जिसके नीचे थी वो कर लिए अब ये क्या हुआ इसमें तो थ्री टर्म्स आ गई तो हम क्या करेंगे रब वर्क में बचे रूट थ्री का स्क्वायर थ्री रूट टू का स्क्वायर टू वन का स्क्वायर वन देखो इन दोनों का सम के स्क्वायर का सम इसके इक्वल आता है ना तो हम क्या करेंगे इसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे ऐसे अब ये एक टर्म ये दूसरी टर्म लेके हम ये वाला साइन काउंट करेंगे रूट थ्री माइनस रूट टू माइनस वन और सेम वे नीचे रूट थ्री माइनस रूट टू माइनस वन अब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा बेटा रूट थ्री माइनस रूट टू माइनस वन और अपॉन मेनी फर्स्ट टर्म सेम सेकंड सेम रूट रूट थ्री थ्री ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर रूट थ्री माइनस क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है दोनों साइन चेंज माइनस रूट टू प्लस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर टू प्लस वन का स्क्वायर वन माइनस टू ए बी यहाँ पे मैंने फॉर्मूला सीधा लिख दिया ए की वैल्यू रूट टू उसका स्क्वायर करेंगे टू प्लस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर वन माइनस टू ए बी अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस वन अपॉन थ्री माइनस थ्री माइनस टू रूट टू फ्रॉम हियर वी गेट रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस वन अपॉन मी थ्री माइनस थ्री प्लस टू रूट टू रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस वन नीचे ये कट हो गया टू रूट टू इसको मल्टीप्लाई करो किससे से रूट टू से ऊपर रूट टू से नीचे रूट टू को तीनों से करो रूट टू इंटू रूट थ्री रूट सिक्स रूट टू इंटू रूट टू टू प्लस ये चीज देखो ध्यान से रूट टू को रूट थ्री से किया रूट सिक्स आया रूट टू को रूट टू से करेंगे 4 रूट फोर आएगा यहाँ रूट फोर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है रूट फोर की वैल्यू टू होती है प्लस रूट टू वन जा रूट टू नीचे टू टू बाहर है रूट टू इंटू रूट टू 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 जा फोर कोई भी कर देना भी छोड़ दो एक ब्रैकेट में कर देना है, है उसके यहाँ पे जो साइन है उसके अपोजिट साइन मतलब ये एक टर्म और ये इसको दूसरी टर्म लेके हमने ऐसे सॉल्व करना है तो हमें सॉल्व करके ये आ गया अभी भी रूप पड़ा है नीचे बट अब सिंगल टर्म है ना रूट तो टू से ऊपर नीचे मतलब टू टाइम हम रैशनलाइज करेंगे यहाँ पे किया सबसे पहले ये उसके बाद ये इसका सेकंड पार्ट भी बच्चे में करवा रहा हूं चलो श्रेषि करवाएगी ठीक है श्रियांशी रो क्यों रही है रो नहीं रही हूँ रो नहीं रही है चलो अच्छी बात है फिर तो हाँ जी इसमें पता है क्या करेंगे हम टू रूट टू रूट एट बन जाएगा तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है हम क्या करेंगे इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेंगे ऐसे माइनस टू रूट टू पीछे लिख देंगे अब मैं किस से मल्टीप्लाई करूं बेटा इसको छियासी बताइए बच्चे जल्दी से मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे सर थ्री माइनस रूट फाइव नहीं बेटा जो ब्रैकेट में टर्म है उसका साइन वही रहेगा ओके okay, तो sure. ये वाला साइन चेंज करना है प्लस टू रूट टू uh -huh. अपॉन में थ्री प्लस रूट फाइव प्लस टू रूट टू वन से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द सेम आंसर थ्री प्लस रूट फाइव प्लस टू रूट टू और अपॉन में ये फर्स्ट टर्म सेम है सेकंड टर्म सेम है बीच में माइनस या प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी थ्री प्लस रूट फाइव होल स्क्वायर माइनस टू रूट टू होल स्क्वायर। हियर, थ्री प्लस रूट फाइव प्लस टू रूट टू अपॉन मी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू थ्री इंटू रूट फाइव माइनस टू रूट टू का स्क्वायर एट नाउ ऊपर कोई भी लाइक like तो नहीं है तो सेम टू सेम आंसर आ जाएगा नीचे बच्चे थ्री का स्क्वायर नाइन रूट फाइव का स्क्वायर फाइव थ्री टू जा रूट फाइव माइनस एट गड़बड़ हो गई कुछ चलो कोई बात नहीं या ना थ्री सबसे बड़ी टर्म थी पर हमने उन दोनों को ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसे भी आंसर अंस, चेंज आएगा जो आंसर पीछे दिया हुआ है वो नहीं आएगा बट आंसर करेक्ट ही है वो भी जो हमारा आंसर आएगा ना यहां से फोर्टीन माइनस एट सिक्स प्लस सिक्स रूट फाइव यहां पे हम सिक्स माइनस सिक्स रूट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और नीचे भी कर लोगे बेटा इसके बाद ठीक करूं बच्चे मैं ठीक हो दोनों से मतलब एक बार चलो ऐसे एक स्टेप इंक्रीज कर लेते हैं सिक्स माइनस सिक्स रूट फाइव प्लस टू रूट टू इंटू सिक्स माइनस सिक्स रूट फाइव अपॉन मी ए प्लस बी ए माइनस बी सिक्स का स्क्वायर माइनस सिक्स रूट फाइव का स्क्वायर हियर एटीन माइनस एटीन रूट फाइव प्लस सिक्स रूट फाइव माइनस Uh, root 5 into root 5 5, five 6 are uh, 30 plus 12 root 2 minus 12 root 10 upon me 36 minus 36 5 are uh, 180 root 18 minus 30 what we get minus 12 18 root 5 माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस ट्वेल्व रूट फाइव रूट टू वाली टर्म ये रही एक ही सिंगल टर्म है रूट टेन वाली टर्म भी सिंगल है नीचे बच्चे क्या आ गए हमारे पास माइनस करके टेन माइनस सिक्स फोर सेवन माइनस थ्री फोर वन ऊपर से क्या करो ट्वेल्व कॉमन ले लो माइनस वन नीचे माइनस भी आएगा माइनस ट्वेल्व भी कॉमन ले लो ये प्लस का हो जाएगा वन प्लस रूट फाइव ये प्लस डाला है बच्चे मैंने प्लस रूट फाइव प्लस रूट टू तो माइनस रूट टू तो। रूट टेन है यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है अपॉन ट्वेल्व माइनस वन फोर्टी फोर माइनस से माइनस कट गया ट्वेल्व से अब काट सकते हैं तो हमारा आंसर आंसर मैच कर गया हमारा वन माइनस uh, आएगा यहाँ पे साइन चेंज करना था यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया था ना बेटा हमने दैट्स द रीजन वन प्लस रूट फाइव माइनस रूट टू प्लस रूट टेन अपॉन टू दिस इज अवर आंसर ये हमारा आंसर आ गया समझ गए बच्चे वन माइनस रूट फाइव है नहीं बेटा ये प्लस है आंसर जो दिया हुआ है उसमें माइनस दिया हुआ है माइनस फाइव दिया कि तू दिया है माइनस टू तो टू तो माइनस का ही है रूट टू वो yes, आगे पीछे है ना बेटा उससे कोई फर्क okay. नहीं पड़ेगा स्नेहांशी ठीक है ओके सर तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया अब इसके पीछे एक ये कीप इन टच वर्कशीट है ये अपने आप ट्राई okay, इसका आई थिंक सो पिक्चर नहीं भेजा ना मैंने मैं अभी भेज देता हूँ और अभी बैठ के करोगे बेटा ठीक है टाइम पड़ा है आधा घंटा आधे घंटे में इसको फिनिश करना पहले ठीक है यस सर ये समझ के चलना है ये तुम्हारा टेस्ट ही हो रहा है एक टाइप से टेस्ट अलग से लूंगा बच्चे मैं इन्होंने फोर्टी फाइव मिनट्स लिखा है बट आप थर्टी मिनट्स में करने की कोशिश करो इसे ओके ओके सर ओके सर चलो फिर आज हम थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं क्लास कल हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे कमर्शियल मैथमेटिक्स का उंड इंटरेस्ट ठीक है प्योर अर्थमेटिक हमारा खत्म हो गया चैप्टर कमर्शियल में कंपाउंड इंटरेस्ट है फिर अल्जेब्रा में ये हमारे पास सिक्स चैप्टर्स हैं एक्सपेंशन फैक्ट्राइजेशन लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इंडिस एक्सपोनेंट लोगरिज्म फिर हमारा ज्योमेट्रिकल पार्ट है और फिर स्टैट mensuration trigonometry coordinate काफी लेंथी पोर्शन है ठीक है आज हमारा फर्स्ट चैप्टर सर आप टेस्ट कौन से डेट को लेंगे कैसे बच्चे सर टेस्ट आप कौन सी डेट को लेंगे टेस्ट बच्चे मोस्ट प्रोबेबली आज क्या है फ्राइडे संडे को के... लूंगा सर होली के बाद होली के बाद लूं यस yes, सर yes. चलो होली के बाद ले लेंगे ठीक ओके। okay. चलो आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो वीडियोस ऑन करो श्रेषी फास्टली ऑन यूर वीडियोज भाई मैं के बुरे हाल हो रखे है ना यस yes, ऐसा क्या किया था आज खेल क्या लगता है यस yes. हाँ हाँ शक्ली बता देती है ये देख लो हमारी प्यारी सी श्रियांशी गोलू मोलू चलो ठीक है बच्चे काम जरूर करना बच्चे ठीक है ओके डाटा बाय 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 सर